हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बन रहा है, कानपुर में एक लड़की है जो नॉन मुस्लिम थी, बाद में उसने मतलब अपना इस्लाम कबूल किया, बाद में उसने मुसलमान लड़के से शादी कर ली। अब उसको खतरा है उसके हिंदू परिवार से, उसको खतरा है RSS वालों से, उस लड़की को खतरा है बजरंग दल वालों से, उस लड़की को खतरा है योगी की पुलिस से, उस लड़की को खतरा है योगी आदित्यनाथ से, उस लड़की को खतरा है नरेंद्र मोदी से, उस लड़की को खतरा है अंड भक्तों से, जो अंड भक्त उसको माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। सबसे पहले आप ये छोटा सा क्लिप देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। मैं शालिनी, डॉटर ऑफ जयचंद यादव, मेरी उम्र 22 साल है, ये मेरा आधार कार्ड, मेरी एज प्रूफ है। मैं HIG 1/8 बर्रा 6 की रहने वाली हूँ। अपने घर से 29 जून को अपने कॉलेज के एग्ज़ाम का बहाना करके अपने घर से निकली थी लखनऊ के लिए, लेकिन मैं अपने दोस्त मोहम्मद फैसल, जिनको मैं 6 साल से जानती हूँ, इनके साथ मैं 2 जुलाई को आके हमने गाज़ियाबाद से शादी की। मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी राजी खुशी से, बिना किसी दबाव, बिना किसी फोर्स से मैंने अपना कन्वर्जन किया। हमने निकाह किया और निकाह के साथ साथ हमने कोर्ट मैरिज भी की, और ये हमारा 2 तारीख को गाज़ियाबाद से हमने दोनों ने अपने खुद से कोर्ट मैरिज की है। ये रहा सर्टिफिकेट। मेरी शादी का जैसे ही मेरे घर वालों को पता चलता है तो उनमें से मेरे बड़े वाले भाई का, जिनका नाम विकास यादव है, फ़ोन आता है और वो मुझसे कहते हैं कि जो तुमने कर लिया है, तुम समझ रही हो कुछ नहीं होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आना पड़ेगा, और तुम जो समझ रही हो कि तुम बच जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, या जो तुमने कर लिया वो हम सब मान जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आना पड़ेगा। ये सब सुन के मैंने फ़ोन काट दिया। और इस बीच मेरी मेरे घर वालों से बात होती रही, मेरी मम्मी जिनका नाम शत्रुपा यादव है उनसे बात हुई, मेरी भाभी जिनका नाम नेहा यादव है, मेरे बड़े वाले भाई विकास यादव, और मेरे जो मुझसे जो बड़े एक हैं उनका नाम अभिषेक यादव, उनसे मेरी बात होती रही। मेरे अभिषेक यादव के भाई के दोस्त से जिनका नाम दीपक यादव है, वो मुझे समझाते रहे कि आ जाओ, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हम चुप्पे से तुम्हें गाड़ी में ले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, तुम बस आ जाओ। पर मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी, तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, मैं नहीं आ सकती, फिर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद मेरे पापा का 2-3 बजे रात में फ़ोन आता है, और वो मुझसे बात करते हैं, मुझसे और फैसल से भी बात करते हैं। मुझसे भी बातें करी थी बहुत सारी कि तुम क्या करते हो, क्या काम। हाँ दोस्तों, आपने ये वीडियो देख लिया, इस लड़की का नाम है शालिनी यादव, ये कानपुर की रहने वाली थी, इसको प्यार हो गया भाई, पता नहीं कैसे लोगों को प्यार हो जाता है, खैर प्यार हो गया इसको इस्लाम के एक कलमा गो भाई से, हमारे प्यार हो गया इन लोग। पहले इस लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन किया, इसको पता होगा कि इसका मतलब धर्म क्या चीज है, इसने इस्लाम को समझा होगा, जाना होगा, इसको समझाया गया होगा, तो इसने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया, उसके बाद इसने मुसलमान लड़के से निकाह किया। अब ये दोनों अपनी फैमिली में खुश रहना चाहते हैं, तो मतलब इसमें अड़ंगा आ रहा है, इसमें अड़ंगा आ रहा है, मतलब तुम्हारा जो है काफिरों का जो लड़के हैं वो मुस्लिम लड़की से शादी करें तो वो भाई चमत्कार है, बाकी जो हमारे इस्लाम के साहबजादे हैं वो तुम्हारी लड़की को सही रास्ते बुला के इस्लाम कबूल करवा के वो शादी करे तो वो बलात्कार है। गजब का ये मोदी का जो है भारत है, समझ में नहीं आता ये कौन से प्रकार का न्यू इंडिया है, ये न्यू इंडिया है कि न्यू घंटा है, अल्लाह जाने कौन सा ये न्यू इंडिया चल रहा है। बरत जो भी इस लड़की ने इस्लाम कबूल किया है, गुस्सा तो है मुझे इस रिश्ते को, मैं ठीक है अब कर लिया सो कर लिया, लेकिन इस्लाम सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी यह है कि इस लड़की ने इस्लाम कबूल किया, हम इस लड़की को अपने इस्लाम में इसका स्वागत करते हैं, और उससे ये कहते हैं कि 5 टाइम की नमाज पढ़ो, कुरान शरीफ की तिलावत करो, तुम्हें पता चलेगा हमारा इस्लाम है क्या चीज। इस्लाम को बखान करने की जरूरत नहीं, इस्लाम पे अमल करना चाहिए, जैसे हमारे नबी पाक हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के लिए क्या करते थे, उन पे लोग कितना जुल्म करते थे, वो सहते थे फिर भी वो उफ नहीं करते थे। अरे आज हम लोग तो इतने बेशरम है कि कोई अगर हमारे सामने कुछ कहता तो मेरा दिमाग एकदम घूम जाता है, पारा एकदम सर के ऊपर चढ़ जाता है। ये हम लोगों की कमी है आज के मुसलमान नौजवानों की, ये हम लोगों की कमी है, क्योंकि हमारे इस्लाम कहता है आप सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन हम लोगों के अंदर सब्र नहीं है। खैर तुम अब इस्लाम में आई हो, और इसने इसका नाम बहुत प्यारा रखा गया, मुझे फिजा नाम पसंद नहीं, फातिमा नाम पसंद है इसका नाम, लेकिन रखा गया है फिजा फातिमा,
फातिमा ना, आप तो जानते हैं हमारे नबी पाक की साहबजादी का नाम बीबी फातिमा था, तो इसका नाम फिजा फातिमा रखा गया। और हम जो जिस लड़के ने इससे निकाह किया, हम उससे ये कहना चाहते हैं किसी की लड़की को लाए तो हो वादा कर कर, वादे को मरते दम तक निभाना, इस लड़की को कभी कोई तकलीफ ना देना। तुम बाद में खाना, पहले इस लड़की को खिलाना, क्योंकि इसने तुम्हारे इस्लाम को कबूल किया है, इसने तुम्हारे नबी पाक को अपने सीने से लगाया है, अपने कुरान शरीफ, तुम्हारे कुरान शरीफ की आयतों को सीने से लगाया है। ए टीवी आ गई है, इसको वो बंद करो। तो बस हम यही कहना चाहते हैं कि जो मतलब हमारे जो मुसलमान का जो लड़का है, जो कलमा गो है, इस लड़की को फिजा फातिमा कभी कोई तकलीफ ना देना, कभी कोई टॉर्चर ना करना, हमेशा दोनों लोग प्यार मोहब्बत से रहना। और जब तुम्हारे बच्चे हो उन्हें बताना कि इस्लाम क्या चीज है, और अपने बच्चों को कुरान शरीफ की तालीम देना, अपने बच्चों को पांचों टाइम का नमाजी बनाना। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की सरकार से कहना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ से कहना चाहते हैं, इस बच्ची को आज तक नहीं आनी चाहिए। और जो योगी की पुलिस है, जो मोहरा बन के चलती है, इस पर ध्यान दो। इस पर ध्यान दोगे तो जब सरकार मोदी की जाएगी तो शायद अपने आप को शीशे में तुम पुलिस वाले देख सकते हो। वीडियो खत्म करते, अल्लाह हाफिज। टीवी की वॉइस बंद करने पाते तो टीवी खोल दी।